एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। सो आज की हमारी वीडियो है बीबी की वाइंस, जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं, और इसका टाइटल है मंगलू सूत्र होता है वैसे, मंगलू सूत्र। एनीवेज, हम लोग इस पर रिएक्शन देने वाले हैं, और काफ़ी बीबी की वाइंस का तो आपको पता ही है कि उनकी वीडियोस कैसी होती हैं। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मम्मी, यहीं कहीं रखा होगा। आपने अलमारी चेक करी? कर ली। बालकनी चेक करी? कर ली। ड्रॉर्स चेक करे? कर ली। पर्स? कर ली। या मलिंगा के बाल कैसे? कर ली। बस की सुई अटक गई है। ओहो, किसी को लैटरिन जाना है क्या? कर ली। ठीक है, मैं होके आता हूँ। दीदी, ढंग से ढूंढेंगे, पक्का मिल जाएगा। याद नहीं, बचपन में पिताजी खो गए थे तो हमने उनको कैसे अगले दिन फटाफट ढूंढ निकाला था। खो गए थे मतलब नाना जी भुलक्कड़ थे? पियक्कड़ थे बेटा, दारू पी के बिस्तर के नीचे ही सो गए थे। अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगी तो कचरे के साथ साथ वो भी बाहर आ गए। कल से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा मेरा मंगल सूत्र। अरे मिल जाएगा दीदी, एक सेकेंड। हाँ गुल्लू। अरे मैं अभी नहीं आ सकता, वहाँ का पहले थोड़ा मामला शांत हो जाए। और सुन, ये धंधे की बातें आपसे व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, ठीक है? चैट तो ऐसे लीक हो रही है जैसे बुढ़ापे में पेशाब। बुढ़ापे में पेशाब? हाँ गुल्लू। अरे मैं F1 रेसिंग देखने नहीं आया हूँ, दीदी रो रही है। गाड़ी चला रही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ गुल्लू। ओके मामा, ये तो बड़े फैंसी ईयरफोन्स हैं। अरे मीवी के डुओ पॉड्स हैं, मजा आ जाएगा, क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। वो किसके गाने सुनता तू? वो लाल मिर्ची, लाल रेड हॉट चिली पेपर। हाँ हाँ हाँ, वही वही, उनका हर लिरिक और बीट एकदम क्लियर सुनाई देगा, जबरदस्त बेस के साथ। नीचे गिरेंगे तो नहीं? अरे न्यूज चैनल थोड़ी ना है, इस कैप्सूल को एक बार चार्ज करेगा 30 घंटे चलेगा। महंगा होगा? नहीं ना ना, सेल चल रही है, mivi.in पे जाके ले ले। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्यों दीदी, इंडियन ब्रांड है। यहाँ मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा मम्मी, घर में कोई बाहर का बंदा आता जाता ही नहीं है। मुझे लग रहा है बंदर ले गए मेरा मंगलसूत्र। बंदर? हाँ, जब तू छोटा था तो बहुत सारे बंदर घर में घुसाए थे और तेरे पापा के अखरोट छीन के ले गए थे। तो नंगे बैठे क्यों थे? अपने दराज में रखा था मैंने परसों, पक्का चोरी हुआ है, तू पुलिस को बुला। ठीक है। क्या ठीक है बेटा, मंगलसूत्र घर में ही होगा, पुलिस को क्यों बुलाना इसके लिए? जरूरी है मामा, चोरी हुई है तो। अरे कैसे होगी चोरी बेटा, इधर उधर ही कहीं रखा होगा। दीदी तुम उसमें चेक करो ना अपने ब्लाउज, ऐसे ऐसे करो मिल जाएगा। अरे क्या उल्लू लुल्लू, बुला रहा हूँ पुलिस को। लतिका भी तो घर में है बेटा। मम्मी कोई फायदा नहीं है पुलिस को बुलाने का, मेरे सुहाग की निशानी है वो। अरे तुम्हारा सुहाग संडास में निशानी छोड़ रहा है अपनी। एक बंदा है जो पता लगा सकता है। कौन? नो, आप फिकर मत कीजिए, आपकी बीवी जल्दी घर लौट आएगी। बस मुझे उनके होठों की फोटो और अगर मन हो तो उनके भागने का मोटो तुरंत भेज दीजिए। बेटा ये कौन सा जानवर है? जानवर होता तो पंजा मार के गंजा कर देता, शुक्र करो उस खुदा का जिसने अनुपम को टकलू बनाया और मुझे मंगलू बनाया, किसी ने सुना तो नहीं? मम्मी ये डिटेक्टिव मंगलू है, दिल्ली के टॉप 30,000 जासूस में से एक है। इतने सारे जासूस हैं दिल्ली में? ज्यादातर तो बालकनी से झांकने वाले बूढ़े पड़ोसी हैं। मंगलू जी, मेरी मम्मी का मंगलसूत्र चोरी हो गया है, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? किसके पास? किसके? आपके पास? मुझे पता है किसके पास। अरे तो बताओ ना। 20 मिलियन 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। मामा इसको 20 रुपए देना। क्यों? अरे इसका स्टाइल है। किसके पास है मंगलसूत्र? चोरी करने वाले के पास। बेटा ये क्या आइटम है? आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आपने तो नहीं चुराया? ओ मामा है मेरे, शकुनी मामा, कटप्पा मामा, सुंदर मामा, इतिहास गवाह। क्या मतलब? एक सेकंड, तुझे क्या लगता है मैं अपनी दीदी का मंगलसूत्र चुराऊंगा? अक्सर ऐसी चोरी में घर वालों का हाथ होता है। मेरा टीटू कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरा काम है सब पे शक करना, भांगड़ा करके रात में फक कर। हमें नहीं जानना आप क्या करते हो। बेटा इस दुनिया में इतने नकली नोट नहीं है जितने नकली लोग हैं। बहन जी कोई बाहर का आदमी आया था, दूध वाला या सब्जी वाला? सब्जी वाला आया था। ओके, ग्रोसरी वाला ही भोसड़ी वाला है। पर वो दरवाजे तक ही आता है, मम्मी के कमरे में नहीं घुस सकता। दीदी एक कप चाय बना दोगी? हेलो, हाँ
ओह माय गॉड, क्या हुआ? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। चोरी करने वाला कोई घर का आदमी नहीं है। अरे तो पहले से पता है यार। बे ये हग्गा जासूस गलत लग रहा है मुझे। मंगलसूत्र चोरी करने वाला अभी अभी चोर बाजार में घुसा है। कैसा दिखता है? बहुत सारी दुकानें हैं, डबल सिम वाला फोन जल्दी बिक जाता है और कोने में पनवारी। अरे भाई साहब चोर कैसा दिखता है? चोर जैसा। व्हाट द फक। उसको सीटी मार के बुलाओ ना। कुकर हूँ क्या भोसड़ी के? बे क्या बकवास है ये। आवारा भड़वे जो हौले हौले गाए। क्या वो चोर गाने गा रहा है? ओह नो, वो किसी दुकान के अंदर घुसा है। उसने मंगलसूत्र निकाल के दुकान वाले के हाथ में दे दिया। और 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। उसने बाएं हाथ से मंगलसूत्र दिया, इसका मतलब लेफ्टी है। बेटा ये चलता फिरता लक्ष्मी चिट फंड है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। The deal has been made, I repeat, the made has been deal। उसने मंगलसूत्र बेच दिया। चोर पनवाड़ी पे खड़ा है, खैनी रगड़ रहा है। साला जुबान केसरी काम रॉबरी। अभी भी रगड़ रहा है। वो खैनी मुंह में डालने के लिए मास्क नीचे करेगा तो हम उसका चेहरा देख सकते हैं। ओह नो। क्या हुआ? अभी भी रगड़ रहा है। अबे कितना रगड़ेगा? बेटा खैनी और लौड़ा जितना रगड़ोगे उतना मजा आएगा। ओह माय लॉर्ड, क्रिकेट ग्राउंड। क्या? वो रिक्शा में बैठ के चला गया। ऐसे कैसे रिक्शा चला गया? ऐसे। तेरे को एक काम दिया था ढंग से, वो भी नहीं कर पाया। 20 रुपए मांग मांग के मेरी जेब खाली कर दी। मैं क्या बारात में उड़ाए हुए पैसे इकट्ठे करता हूँ? कहाँ से लाऊं इतने खुले? तेरा बंदा इतने करीब था चोर के, सीधा सीधा मास्क नहीं उतार सकता था। I'm sorry, अगर आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं आई, you can give me your feedback। सुन दे फीडबैक के चोदे, एक नंबर का घटिया जासूस है तू। तेरे से अच्छी जासूसी तो ट्विटर के ट्रोलर कर देते हैं। Okay, मैं चलता हूँ। वैसे भी उस चोर का चेहरा वैसा ही था जैसे उसके मास्क पे बना हुआ था, और उसने चश्मा लगा रखा था, उसके दांत बाहर थे, किसी ने सुना तो नहीं? क्या बोला ये? चोर का चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसके मास्क पे बना हुआ है, और चोर ने चश्मा लगाया था, और दांत बाहर थे। यही है। पहली वीडियो मेरी बीबी की वाइंस पर थी, और जो कि मैंने इंडियन वीडियो पर रिएक्शन दिया था, और बीबी की वाइंस बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन ये थोड़ा एडल्ट टाइप होते हैं, सो इसमें गालियाँ वगैरह बहुत होती हैं, ओपन वर्ड्स होते हैं। सो इस आज थोड़ा सा इन्होंने कम वर्ड्स इस तरह के यूज़ किए, लेकिन यूज़ किए हैं बट कम यूज़ किए हैं। सो अगर बीबी की वाइंस का मंगलू सूत्र जो था ना, बेसिकली मंगलू सूत्र में भी कहती यार, मंगलू सूत्र तो नहीं होता, मंगल सूत्र होता है, लेकिन मंगलू बेसिकली जो है वो जो मतलब कि वो दाढ़ी वाला बंदा था वो था, और वो 20-20 रुपए लेकर उसका बेस्ट पार्ट मुझे वही इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट भी मुझे वही लगा, मंगलू का 20-20 रुपए लेकर वो फजूल की ही बातें बताई जा रहा था जो कि लॉजिकल ही नहीं थी। तो मतलब वो पैसे कमा रहा था, 60 रुपीज उसने ऐसे ही कमा लिए टीटू मामा से, टीटू मामा को कंगाल कर दिया। सो टीटू मामा जो है ना, उस पर भी इल्जाम बेचारे पे लगा दिए लोगों ने। पड़ेगी कि जो बीबी की वाइंस हैं बेसिकली यार, ये बहुत ही स्ट्रगल करता है। कितने एक ही बंदा ये एक ही इतने सारे रोल कर लेता है डिफरेंट, और फिर उसी में ही अपनी वीडियो को जो है वो बनाकर पब्लिक के लिए पेश करता है। सो और इसके सारी ये जो मतलब कि लिरिक्स होते हैं, मतलब और इसके सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सारे ये खुद लिखता है, और इसकी सारी खुद की एफर्ट होती है, और इसमें कोई और सेकंड या थर्ड पर्सन नहीं होता। सो ये बहुत ही इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इसकी स्ट्रगल पर। सो बीबी की वाइंस वैसे नॉर्मली कौन कौन देखता है, या मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो बीबी की वाइंस जो है बेसिकली मंगलसूत्र, काफी अच्छी वीडियो है, मजा आया देखने में, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस ये थोड़ा सा मतलब कि मुझे डाउन लगी, इतनी खास नहीं लगी। इससे पहले हमने अंग्रेजी मास्टर जी पर रिएक्शन दिया था, तो वो वाला बहुत अच्छा था। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। बाय।